19 मई 1917 की घटना है। 1 दिन 1 सुबह शिरडी के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। '57 का युद्ध हो चुका था जो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था। उस युद्ध के बाद अंग्रेज जान गए थे कि इनके अंदर अगर फूट नहीं डाली, इनको अगर अलग नहीं किया, तो ये हमारे लिए सरदर्द बन सकते हैं। इसलिए सरकार के सारे प्रयत्न थे कि हिंदू मुसलमानों में बांटा जाए, धर्म का मामला संवेदनशील रहता है। ये एक मामले को उठा करके इनको बांटा जाए, इनको तोड़ा जाए, इनको अलग किया जाए। वही प्रयत्न सरकार के ओर से चल रहे थे। पर ऐसे वातावरण में ऐसे परिस्थिति में से शिरडी के साईनाथ का प्रयत्न था हिंदू मुसलमानों को साथ में लाया जाए, करीब लाया जाए, पास लाया जाए, धर्म के भेद दूर किए जाए। सरकार उस ओर कार्य कर रही थी, ये इस ओर कार्य कर रही थी। जो भी संत जिस समय भी आए हैं, उस समय जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी आवश्यकता है, समाज की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार उनका कार्य रहता है। तो इनका कार्य क्या था कि दोनों को जोड़ा जाए, दोनों के मतभेद दूर किए जाए। इसलिए उन्होंने नारा दिया, सबका मालिक एक, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। वो 19 मई का दिन शिरडी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था, उस दिन लोकमान्य तिलक और दादा साहब खापरडे उस दिन साईं के दर्शन के लिए आए थे। खूब लोगों की भीड़ थी क्योंकि लोकमान्य तिलक उस समय खूब प्रसिद्ध थे। भारत के अंदर राजनीति का एक महत्वपूर्ण सितारा थे। दोनों ही आकर के द्वारका माई में बैठे हुए थे, उनके साथ और उनके कुछ साथी थे, साईनाथ एक तकिए को टिक करके बैठे हुए थे, भी शांत थे। इतनी सारी भीड़ थी उसके बावजूद भी एकदम शांत वातावरण था। और बाहर दो कुत्ते के पिल्ले आपस में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। वो स्वतंत्र थे, उन पे किसी अंग्रेजों का राज्य नहीं था। दूसरा, कुत्ते हुए तो क्या हुआ, गुरु सानिध्य में थे, गुरु के जीवन काल में थे, गुरु के ओरा में थे, गुरु के आभा मंडल में थे। और इतनी भीड़ होने के बाद में पूर्ण शांति थी, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा था। तो दादा साहब खबरडे इतने बड़े वकील, लेकिन वहां एक शब्द नहीं निकल रहा था मुंह से।
बात कहां से शुरू की जाए, साई बाबा को प्रार्थना कहां से की जाए, कौन करेगा, कौन शुरुआत करेगा? शुरुआत करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। उतने में एक छोटा सा लड़का अपनी चड्डी संभालते संभालते दौड़ते दौड़ते आया और बाबा की गोद में जाके बैठ गया। बाबा पेड़ा देना, बाबा पेड़ा देना। तो साई बाबा ने पास के थाली का एक पेड़ा उठा करके उसके मुंह में डाला, उसके सर के ऊपर हाथ रखा, वो खुशी से खिलते खिलते भाग गया। सारे शांति को एक मैसेज गया, एक संदेश गया। अगर बाबा तक पहुंचने का है तो अबोध बनो, बालक बनो, शुद्ध बनो, चित्त को पवित्र करो। साई बाबा तक पहुंचने के लिए बालक बनो, बालक छोटे से। हिम्मत करके लोकमान्य तिलक ने बात प्रारंभ की, साई बाबा हम प्रार्थना करने आए हैं, देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो, हमारा देश स्वतंत्र हो, और उसी के लिए हम प्रयासरत है, हम प्रयत्नरत है। अब कृपा कीजिए कि हमारे प्रयत्नों को यश मिले। लुकमाना तिलक कुछ अलग बोल रहे थे, बाबा कुछ अलग बोल रहे थे। बाबा बोल रहे हैं सब लोग बड़े खराब हैं, दुनिया के लिए तुमने खूब किया, देश के लिए खूब किया, कुछ अपने लिए करो, कुछ स्वयं के लिए करो। वो क्या बोल रहे थे, ये क्या उत्तर दे रहे थे? ऐसा रहता है। सदगुरु जो बोलता है ना, उसका लेवल कुछ अलग रहता है। शिष्य जो रहता है उसका लेवल कुछ अलग रहता है। वो एक लेवल से बात कर रहा है, ये एक लेवल से सुन रहा है, दोनों में कम्युनिकेशन नहीं रहता है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी बात समझ में आती है। कुछ नहीं, बाबा मुस्कुरा दिए, ठीक है, अंदर के लिए कुछ करो, भीतर के लिए कुछ करो, बस। बाद में वो दोनों साइड में हो गए, कुछ लोग दूसरे आ गए, वो भी बात करने लग गए। तो दादा साहब काकोरण ने लुकमान्य तिलक को कहा, अब अपन ने प्रार्थना की है तो स्वतंत्रता तो मिल ही जाएगी। अब देश को स्वतंत्रता मिलेगी, आप क्या करोगे? आप कौन सा पेशा करोगे? लुकमान्य तिलक ने कहा, मुझे बच्चों को ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं शिक्षक का पेशा करूंगा। उसके ऊपर भी बाबा मुस्कुरा दिए, मन ही मन बोले ये दिन तेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। उनको पता था, उनको मालूम था, उन्होंने संकेत भी दिया था, कुछ अपने लिए करो, देश के लिए खूब किया। और इस घटना के 3 साल के बाद में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। ये घटना छोटी घटना नहीं है। आज के राजनीतिज्ञों के लिए ये संदेश है, मैसेज है कि जीवन के अंतिम क्षण तक राजनीति में मत घुसे रहो। बहुत हो गया देश के लिए, बहुत हो गई राजनीति। कुछ स्वनीति करो, कुछ अंदर के लिए करो, कुछ अपने लिए करो। इधर कब्र में पैर लटक रही लेकिन फिर भी राजनीति में छोड़ो। खुद देश के लिए कर लिया, कुछ स्वयं के लिए करो, कुछ अपने लिए करो। आत्म साक्षात्कार पाना प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर वो प्रत्येक मनुष्य को मिलना ही चाहिए, बशर्ते वो इच्छा करे।
इसके अंदर सबसे बड़े इच्छा की आवश्यकता है। जब तक आप इच्छा नहीं करते ना, तब तक कुछ प्रगति नहीं हो सकती, कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। आज का चक्र मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र को आधार चक्र भी कहते हैं। परमात्मा ने जब हमको बनाया तो हमारे चित्त को पवित्र करने के लिए, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए, हमारे शरीर को पवित्र करने के लिए, हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए भूमि बनाई है। अगर हम भूमि के सानिध्य में जाते हैं, आजकल क्या होता है उनमें, घर में हम चप्पल पहन के घूमते हैं और ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं, तो हमारा भूमि के साथ कुछ संबंध ही नहीं आता। तो कई बीमारियां केवल भूमि से संबंध तोड़ने के कारण निर्माण हुई है। दूसरा, अब आपका ही नहीं, अब आपके किसी रिश्तेदार को, उसको किसको कितनी भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उसको बोलो तो दिन भर में एक घंटा जमीन पे बैठना चालू कर दे, उसकी बीमारियां आधी हो जाएंगी। क्या कारण है? कारण है जमीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो शक्ति आपके सभी स्थिति को खींच लेती है, बैलेंस कर लेती है, संतुलित कर लेती है। मैं विदेशों में जाता हूं तो आपको क्या लगता है मैं किसी धर्म विशेष में बात करता हूं? नहीं, मैं मनुष्यता पे बात करता हूं, वाइब्रेशन से बात करता हूं, ओरा पे बात करता हूं, एनर्जी पे बात करता हूं। एक क्रिश्चियन पादरी के घर में रुका हुआ था, वो भी बैठा हुआ था सोफे पे, मैं भी बैठा हुआ था। उसको मैंने पूछा, हाथ ऐसे कर, हाथ में वाइब्रेशन आ रहे हैं? उसने कहा, हाँ स्वामी जी, वाइब्रेशन आ रहे हैं। अब एक काम कर, अब जमीन पे नीचे बैठ, अब देख वाइब्रेशन आ रहे हैं क्या। वो जमीन पे बैठा, बैठने की आदत नहीं थी, अंग्रेज था तो ऐसा आड़ा टेढ़ा होते हुए दो चार आसन करके बैठा हुआ जमीन पे। बैठने के बाद में, स्वामी जी अब एकदम वाइब्रेशन बढ़ गए, जमीन पे बैठने ज्यादा वाइब्रेशन आते हैं। मैंने जो चीज बड़े ग्रंथ से नहीं समझ में आ सकती ना, वो एक अनुभव से समझ में आ गई उसको। दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में लेक्चर था, सारे अंग्रेज सूट बूट पहन के कुर्सी पे बैठे हुए थे, ये महाराज जमीन पे बैठे हुए थे। उनको समझ में आ गया नीचे बैठने से ज्यादा वाइब्रेशन आते हैं, ज्यादा एनर्जी मिलती है, आपको नीचे इसीलिए बिठाया है। दूसरा, तुम अगर बैठ सकते हो तो ध्यान के समय नीचे बैठो। तुम पोस्ट के ऊपर हो, कौन से पद के ऊपर, सब छोड़ दो, आज पदवद जमीन पे बैठो। जमीन पे बैठोगे तो वो मिलेगा जो आज तक जीवन में कभी नहीं मिला, और आज अगर जमीन पे नहीं बैठोगे जिंदगी में जमीन पे नहीं बैठ सकते। अरे लाखों की तादाद में लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, अंग्रेज लोग जमीन पे बैठना सीख गए। जमीन पे बैठने से गुरुत्वाकर्षण शक्ति तुम्हारे सारे बीमारियों को खींच लेगी। आदिवासी लोगों के अंदर, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन आदिवासी सिर्फ प्रार्थना करते हैं। पेट दर्द हो रहा है, प्रार्थना करते हैं पृथ्वी को, पेट दर्द ठीक हो जाता है। दस्त लग रहे हैं, पृथ्वी को प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाता है। सिर्फ उनका भाव है, वो पृथ्वी को माँ बोलते हैं, माँ के गोद में जाकर के माँ को सारे शिकायतें कर सकते हैं, माँ को सारी बीमारियां बता सकते हैं, इस भाव से समर्पित करते हैं। उनकी बीमारियां पृथ्वी ठीक करती है। इतने बड़े संख्या में तो बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं जैन मुनियों को ये सिखाता हूं। जैन मुनि वो लेते नहीं है, दवाइयाँ खाते नहीं है, दवाइयाँ लेते नहीं है, इसलिए उनको सिखाता हूँ कैसे भूमि माता को प्रार्थना करके अपनी बीमारियाँ ठीक कर सकते हो, कैसे दस्त ठीक कर सकते हो, कैसे बुखार उतार सकते हो। सिर्फ प्रार्थना करने मात्र से शरीर से सब खींच जाता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींच के बैलेंस कर देती है, संतुलित कर देती है। दूसरा, हमको ना गृहस्थों को लगता है कि हमको ही प्रॉब्लम है, हमको ही समस्या है,
साधु के क्या तो मजे चल रहे हैं, सन्यासी क्या मजे करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई संसार नहीं उनको। ऐसा नहीं है। दूर के ढोल सुहाने, उनको जाओगे ना, उनके जीवन में झांकोगे, उनकी तकलीफें जानोगे, तो उनको भी तकलीफ है, उनको भी परेशानी है। उनकी परेशानियां अलग है, तुम्हारी परेशानियां अलग है। जब साधुओं के सन्यासियों के शिविर लेता हूं, छोटे छोटे शिविर रहते हैं, 20-20 लोगों के, 10-10 लोगों के, लेकिन हाँ लंबे लंबे चलते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे शिविर ही चलते रहता है। फिर साधक लोग भी जलते हैं, स्वामी जी 8-8 लोगों को 8-8 घंटे लेके बैठते हो। मैं उनको बोलता हूँ वो मेरे लिए 800-800 किलोमीटर चल करके आते हैं, मैं तुम्हारे पास 800 किलोमीटर चल के जाता हूँ, दोनों में अंदर है ना। तो साधु सन्यासियों की तकलीफें नहीं है ऐसा नहीं है, परेशानियां नहीं है ऐसा नहीं है। जब भी ये लोग एकांत में मिलते हैं ना, एक ही प्रश्न रहता है, स्वामी जी काम के विचार नहीं समाप्त होते, काम वासना के विचार आते रहते हैं, ये कॉमन समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। सन्यास केवल शरीर से नहीं है, चोला बदलने से नहीं होता है, आंतरिक चेंज होना चाहिए, आंतरिक बदलाव होना चाहिए। उनको हर दफे में ऊंचा उत्तर देता, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान से सब छूट जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में एक मुनि ने मुझे खूब तीव्रता के साथ एक पत्र लिखा। एक्चुअली मेरा कह रहता हूं मैं, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, तुम्हारा अगर रिसीविंग खूब अच्छा है खूब अच्छी अच्छी बातें करूंगा, तुम्हारी रिसीविंग अच्छी नहीं है तो कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे खींचने के ऊपर ही सब निकलता है। वैसे उसका पत्र जो था ना, इतना गंभीरता से लिखा था उसने, अपनी समस्या को इतना स्ट्रांगली लिखा था कि ऑटोमेटिकली मेरा उसके काम वासना के विचार के ऊपर चित्त चला गया, क्यों समस्या है, क्यों प्रॉब्लम है, खूब बारीकी से उसका निरीक्षण किया। उस मुनि को उत्तर दिया, तुम सदैव काम वासना पे नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हो, और कोशिश के बहाने तुम्हारा चित्त 24 घंटे उसी पे रहता है कि मेरे अंदर काम के विचार नहीं जागरूक हो, सदैव अलर्ट। एक दूसरा, इतना कम खाते हो, इतना कम खाते हो कि तुम्हारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बचे कि उसके अंदर काम के कोई विचार आए, कम खाते हो, एकदम खाना कम। दूसरा, इतना श्रम करते हो, इतना श्रम करते हो कि जितना खाया वो सब हजम हो गया, भूखे व्यक्ति के अंदर थोड़ी काम वासना जागृत होती है। लेकिन उसको लिखा, ये सब प्रयत्न से हो रहा है, प्रयास से हो रहा है, यानी तुम जबरदस्ती कर रहे हो, है नहीं, उसके लिए सदैव तैयार हो, अलर्ट हो। लेकिन कहीं पे भी, कहीं 8-10 दिन विश्राम कर लिया, अच्छे मेवे टेवे खा लिए, पर रबड़ी वबड़ी खा लिए, तो काम वासना जागरूक हो जाएगी, क्योंकि अंदर वो छुपी हुई बैठी ही है, सिर्फ तुमने उसको दबा के रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा है, नियंत्रित करके रखा है, लेकिन गई नहीं। दूसरा, तुमको क्या लग रहा है, ये कोई जवान मुनि या ऋषि पूछ रहे होंगे? नहीं, ये सब बूढ़े लोग पूछते हैं, 70 साल 80 साल, अब कल्पना करो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रवचन के माध्यम से मैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं, इसका रास्ता क्या है, इसका मार्ग क्या है। क्या होता है मालूम, आपने सुना होगा कुछ दादाजी का, जो पेशाब करने जाते हैं, जाते जाते 2-4 बूंदे कहीं करते करते चले जाते हैं, माने पेशाब उनसे हो जाती है, उनका कंट्रोल नहीं होता पेशाब के ऊपर, होता है बुढ़ापे में हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और बाद में हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक ऐसा कैसा ही होता है, जब तक जवान रहते हैं ये मुनि या साधु, तब तक खूब कंट्रोल कर लेते काम वासना के विचारों पर, क्योंकि इनके मसल्स खूब स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं
जैसे वीक हो जाते, मसल्स वीक हो जाते, फिर कंट्रोल नहीं रह पाता। तो उनको मैंने कहा स्वभाव बदल लो। मैं जो कहता हूं ना ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, मतलब क्या, जो आपकी ऊर्जा उठ रही है और जो मूलाधार की तरफ जा रही है, उसी ऊर्जा का स्वभाव अगर आपने अपवर्ड कर दिया, ध्यान करोगे तो क्या होगा, ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी। जैसे ऊपर की ओर जाएगी, जैसे ऊपर की ओर जाएगी, तो उसका स्वभाव बन जाएगा, ऊर्जा उठने के बाद में ऊपर ही जाएगी। उसको फिर नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही कंट्रोल रहेगी, क्योंकि उसका प्रैक्टिस अपवर्ड जाने का है। और डाउनवर्ड जाएगी नहीं, डाउनवर्ड जाएगी नहीं तो काम के विचार ही नहीं आएंगे। चित्त को नष्ट करने वाली दो चीजें, एक तो ये काम के विचार और दूसरे खाने में अत्यधिक चित्त। है ना, महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ करके जगह है, वहां जो यात्रा को जाते हैं वो पांच घर की भिक्षा मांग करके फिर यात्रा करने जाते हैं। तो क्या होगा, आप कल्पना करो ना, जब आप पांच घर के सब्जी और पांच घर की रोटी खाओगे, तुम्हारे जवान का टेस्ट ही चला जाएगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो ये पति जो नखरे करते हैं ना, इनको तो उसी यात्रा पे भेजो, सब सुधर जाएंगे। घर में बघार ऐसी चीन, सब्जी ऐसी चीन, जो नाटक करते कि नहीं, तो खूब ज्यादा चित्त इनका खाने के अंदर ही खर्च हो रहा है, दूसरा काम वासना में खर्च हो रहा है। तो अगर तुम तुम्हारी प्रैक्टिस करते हो, तुम तुम्हारा स्वभाव बदलते हो कि तुम्हारी ऊर्जा तो ऊपर की ओर उठेगी, तो कभी काम के विचार ही नहीं आएंगे। तो काम वासना का प्रश्न ही नहीं। कई बार हमने समाज के अंदर कई गुरुओं का पतन होते हुए देखा है। इसके लिए मैंने एक सुझाव रखा था, मैंने सांसदों का शिविर लिया था 2013 में। सांसदों के शिविर में मैंने एक प्रस्ताव रखा था उनके सामने कि आप आध्यात्मिक गुरुओं के लाइसेंस इश्यू करो। देखो रहता कि नहीं, जैसे हमको ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए तो हम क्या करते हैं, आरटीओ ऑफिस में जाते हैं, ट्रायल देते हैं, वो देखते हैं हाँ ठीक से चलाना गाड़ी आ रही, ठीक है तुमको 5 साल का लाइसेंस, और उसके बाद में फिर 5 साल बाद में फिर ट्रायल चेक करते हैं, फिर लाइसेंस। वैसे जितने आध्यात्मिक गुरु हैं सबको लाइसेंस इश्यू करो। कोई बोले मैं आध्यात्मिक गुरु हूं, तो उनका हवामंडल चेक करो, उनका ओरा चेक करो। देखो साइंस अध्यात्म के विरोध में नहीं है, साइंस सहायक है। उसका ओरा चेक करो ना, उसका हवामंडल चेक करो। अगर उसका हवामंडल अच्छा है, उसको 5 साल के लिए लाइसेंस दो, तेरा हवामंडल अच्छा है, तेरा ओरा अच्छा है, ठीक है 5 साल के लिए तो आध्यात्मिक गुरु। और उसका हवामंडल खराब हो गया है, उसका ओरा खराब हो गया है, उसको बोले एक काम कर, तो अब 2 साल घर बैठ ध्यान कर, मेडिटेशन कर, अपनी स्थिति ठीक कर। तो इससे ना दोनों को फायदा है। एक तो वो गुरु को क्या फायदा है, उसका सत्यानाश होने के पहले उसको पता चल जाएगा कि मेरी स्थिति खराब हो रही है। दूसरा उसके साधकों का क्या फायदा है, एक गुरु का पतन होता है तो लाखों लोगों का भाव टूटता है, उनका भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। तो अच्छा है ना कि लाइसेंस इश्यू करो। दूसरा कंपल्सरी नहीं है, जिसको लेने के वो लो। अध्यात्म का नाटक नहीं किया जा सकता। जैसे एक आदमी अमीर नहीं है तो भी वो अमीरी होने का नाटक कर सकता है। एक विद्वान नहीं है, वो किताबें पढ़ के इधर उधर की वो विद्वत्ता का नाटक कर सकता है। आध्यात्मिक स्थिति का कभी नाटक नहीं हो सकता। ये ओरा की बातें, हवामंडल की बात है, आज से 15 साल पहले जब मैं करता था ना तो मेरा मजाक उड़ाते थे, स्वामी जी कोई ओरा ओरा नहीं होता है, तो तुम्हारी कल्पना है, कुछ नहीं। लेकिन अभी 5,000 डॉक्टर लोगों का अहमदाबाद में शिविर लिया, शिविर के अंदर खुद डॉक्टर्स अपना ओरा
चेक करके आया और बाद में चेक किया तो उनको ही उसके अंदर चेंज नजर आया, उनको ही उसके अंदर बदलाव नजर आया। देखो क्या होता है, मतलब अच्छी अच्छी बातें तो सब लोग कर सकते हैं, विद्वान भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञानी भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो मूलतः अच्छा है या नहीं, उसके विचार अच्छे हैं या नहीं, ये उसका हवामंडल बताता है, उसका ओरा बताता है। और ओरा का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं, मेडिकल साइंस में उसका अध्ययन है, इसको शरीर को टच करके देख सकते हैं, उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में है। विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं, इसलिए साइंस थोड़ा और ऊपर का है, विदेशों के अंदर इसका काफी अध्ययन होता है। अपने है ना, जैसे एक साधु को 11 लोग नमस्कार कर रहे तो 12वां देख के झुक जाएगा, विदेशों में ऐसा नहीं है, वो भुट्टे जैसे खड़े रहेंगे जब तक उनको उसका ओरा दिखेगा नहीं, उसका हवामंडल दिखेगा नहीं, जब तक वो झुकेंगे नहीं, बिल्कुल मुड़ेंगे नहीं। मेरे भी ओरा के चित्र पहले भी 2 बार निकाल चुके थे, लेकिन उसके अंदर भी तब्दीली आती रही, बदलाव आते रहे। अभी पिछले साल ही थियोसोफिकल सोसाइटी के अंदर लेक्चर हुआ तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप बोलते हो ना कि 5-5 साल बाद लाइसेंस इश्यू करो, हर साल उनका ओरा देखो, उनका हवामंडल देखो, तो आपका भी तो ओरा 15 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, आपका अभी का बताओ ना ओरा कैसा है, आपका हवामंडल कैसा है, अभी का फोटो निकालो ना। मैंने कहा ठीक, बोले अगर आपका हवामंडल अच्छा रहा, आपका ओरा अच्छा रहा, तो हम ध्यान सीखेंगे, हम मेडिटेशन सीखेंगे। मैंने मन में सोचा मेरा ओरा निकालने से अगर ये ध्यान सीखते हैं तो क्या बुरा है, उनके लिए तैयार हो गया, साथ में उनको जाने को तैयार हुआ। लंदन कम से कम 20 बार गया हूं लेकिन कभी भी ट्यूब के अंदर नहीं बैठा, उस दिन ट्यूब के अंदर बैठा था, ट्यूब मतलब वहां की लोकल ट्रेन, और इतना आश्चर्य हुआ, हम बैठे तो एकदम प्लेन स्टेशन के ऊपर, और जब लंदन में उतरे ना तो मेरे ऊपर 9 स्टेशन थे, माने हम एकदम नीचे के स्टेशन पे उतरे, वहां से हर स्टेशन क्रॉस करते करते 9 स्टेशन पार करके जब लंदन शहर में निकले तो देखा तो वहां सब बैंक ही बैंक का एरिया था। वहीं छोटा सा एक डॉक्टर का रूम था, उस रूम के अंदर ओरा का फोटोग्राफ लिया गया, जैसे सीटी स्कैन या करते कि नहीं उस प्रकार से मेरे को एक मशीन पे बिठाया गया और उसके हाथ रख के आधा घंटा तक वो मशीन चलती रही, पूरा स्कैनिंग चलता रहा। और आधे घंटे के बाद में उसने मेरे को प्रश्न किया, आप जिंदा कैसे हो, आप जीवित कैसे हो, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। बोले नहीं, ये ओरा उसका प्रतीक है जिसका देह भाव पूर्णतः छूट गया है, उसका ऐसा ओरा रहता है, उसका हवामंडल रहता है। मैंने कहा ये मेरी ध्यान की स्थिति है, इस स्थिति में 24 घंटे नहीं रहता, 24 घंटे नॉर्मल रहता हूं, लेकिन ये मेरी ध्यान की स्थिति है, इस स्थिति में सदैव मैं रहता। तो कहां का फायदा कहां होता है, देखो ये रिपोर्ट्स खूब अच्छी रिपोर्ट बनाई है, 15-16 पेज की रिपोर्ट है पूरी, इतनी अच्छी रिपोर्ट, इतना अच्छा ओरा का रिपोर्ट कहीं नहीं बनाए। तो बनाने के बाद में वो लंका गया था, और मैं उसके बाद में लंका पहुंचा, तो वहां गया तो बुद्ध मंदिर के अंदर बुद्ध साधु वो खुद रिसीव करने मुझे बाहर आते थे, आपका ओरा कितना अच्छा है, आपका हवामंडल कितना अच्छा है, एकदम बुद्ध के जैसा हवामंडल आपका है, ओरा अच्छा है। यानी कहां का फायदा कहां हुआ, इंग्लैंड में निकाला हुआ ओरा का रिपोर्ट का फायदा श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका की बात आई, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ मेरी काफी लंबी चर्चा हुई, काफी लंबी मीटिंग हुई। उनको मैंने बताया आपने प्रत्येक देश का प्रशासक, प्रत्येक देश का प्रधानमंत्री, प्रत्येक देश का राष्ट्रपति चाहता है कि मेरे देश के अंदर कोई जाति के विवाद ना हो, मेरे देश में कोई भाषा के विवाद ना हो, मेरे देश में कोई धर्म के विवाद ना हो, सब सुख शांति से है,
ताकि देश में प्रगति हो सके। ऐसा प्रत्येक शासक चाहता है, लेकिन आपके पास में कोई मार्ग नहीं है, आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरे गुरु के पास में रास्ता है। समर्पण ध्यान का संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जगाता है, फिर जाति धर्म देश रंग भेद सब हट जाते हैं। अब देखो ना, 400 विदेशी लोग इस शिविर में आए हुए, उनको हिंदी का एक शब्द समझ में नहीं आता। आप सोचो ना, देश की सीमा छोड़ करके आए, भाषा की सीमा छोड़ करके आए, धर्म की सीमा छोड़ करके आए, रंग की सीमा छोड़ करके आए, कितनी सीमा पार करके यहां तक पहुंचे। 22 कंट्रीज के लोग हैं। वो काय के लिए आए? ये सुनने आए? नहीं, वो अनुभव करने के लिए आए हैं। उनका सारा चित्त, उनका सारा अटेंशन वाइब्रेशंस के ऊपर होता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कुछ हिंदी में, तो वो उनको मैंने समझाया, मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ, स्वामी जी अच्छा है तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती, तो हमारा चित्त तुम्हारी बातों पे रहता ही नहीं, तुम्हारे मुख से जो चैतन्य बह रहा है उस प्रवाह के ऊपर हमारा चित्त रहता है। देखो क्या प्रकार रहता है, मैं बोलता हूँ बाद में बीच में चुप हो जाता हूँ, फिर बोलता हूँ फिर चुप हो जाता हूँ। देखो शरीर लेवल के ऊपर आकर के ही शब्द निकलते हैं। तो मैंने नीचे आकर के मैंने बोला दो, फिर वो ऊपर के हाइट पे गया, फिर नीचे आके बोला शब्द, तो वो ना तो दो सुनते हैं ना शब्द सुनते हैं, वो बीच का जो गैप है, बीच में जो चैतन्य की ऊंचाई है, बीच में जो चैतन्य का अंतराल है, वो अंतराल से अंतराल अंतराल से अंतराल उनके सारे जंप वहां लगते हैं, वो उधर ही कूद लगाते रहते हैं। सारा चित्त वाइब्रेशन से वाइब्रेशन पे वाइब्रेशन से वाइब्रेशन पे रहता है, वो शब्दों को सुनते ही नहीं है, भाषा को सुनते ही नहीं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं क्या बता रहे हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो प्रधानमंत्री को मैंने बताया कि हमारे पास मार्ग है, हमारे पास रास्ता है जो मनुष्यता को जगाती है। गुरु पूर्णिमा में 10,000 लोग आते हैं, अलग अलग देश के आते हैं, अलग अलग रंग के आते हैं, अलग अलग भाषा के आते हैं, सब एक ही तंबू के अंदर 3-3, 4-4 दिन तक रहते हैं। कोई नहीं पूछता तो किस जाति का है, तो कौन धर्म का है, कौन से देश का है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ जाफना जरा डिस्टर्ब जगह है, आप जाकर के वहां ध्यान सिखाओ ना। तो एक जाफना में जाके शिविर किया था। तो जो युवक 25 साल के 30 साल के थे श्रीलंका में, उन्होंने जिंदगी में कभी जाफना देखा नहीं था, क्योंकि जाफना रहने की कोई हिम्मत ही नहीं करते थे। लेकिन हमने जाकर के करा, वहां शिविर किया, बहुत अच्छा, आज भी वहां सेंटर चल रहा है। किने कहा से आध्यात्मिकता को भी नाटक नहीं हो सकता, आध्यात्मिकता को भी जांचा जा सकता है, आध्यात्मिकता को भी परखा जा सकता है। वो बोलते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो जानना यानी क्या? एनर्जी जानना, वाइब्रेशन जानना, स्थिति जानना, आध्यात्मिक स्थिति जानना। पर अगर पूरा का नहीं समझ में आता, हवामंडल का नहीं समझ में आता, तो सबसे आसान अंतर है बाबा के दरवाजे पे चले जाओ और मत्था टेको और प्रार्थना करो, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करो, मुझे आत्म शांति प्रदान करो, बराबर आपके जीवन में वो रास्ता खुल जाए। इसलिए बोलो ना, शिरडी मोक्ष का द्वार है, लेकिन आप वहां आकर के क्या मांगते हो उसके ऊपर डिपेंड है। आप अगर भौतिक चीजें मांगोगे, भौतिक चीजें मिलेगी, यहां तो जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम एक चॉकलेट मांगोगे, एक चॉकलेट मिलेगी, डब्बा मांगोगे, लो डब्बा लो, फिर बैठे रहो घर पे चॉकलेट खाते हो। तो मूलाधार चक्र का संबंध चित्त के साथ है। अगर आपका चित्त स्ट्रांग है तो आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है। अब आपका ही निरीक्षण करो ना,
मैं जो बताते जाता हूँ ये सब थर्मामीटर तुम अपने आप ऊपर लगा के देख लो। किसी भी वस्तु को देख करके, किसी भी सुंदर वस्तु को देख करके उस सुंदरता के लिए परमात्मा को याद करो ना कि कितनी सुंदर सी बनाई है परमेश्वर ने। अगर ऐसा विचार आता है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी सुंदर स्त्री को देख के वासना जागृत होती है तो समझ लो तुम्हारा मूलाधार ही पकड़ा हुआ है। माने किसी चोर की जागृति हो सकती है, किसी चोर को आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, तुमको नहीं, क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन स्टोन ही खराब है। दूसरा, कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है, तो एक स्त्री शक्ति का अनादर करके एक स्त्री शक्ति को प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता। आपको आश्चर्य होगा, हिमालय में कोई भी स्त्री नहीं है। सालों तक भटकाऊं, एकदम ये कोने से वो कोने तक घुमाऊं, कहीं पे भी कोई स्त्री नहीं। कारण क्या है? कारण ये, जो भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो सब इसी समाज से गए हुए, और समाज के अंदर विचार है कि आध्यात्मिक स्थिति में स्त्री बाधक है, आध्यात्मिक प्रगति में स्त्री बाधक है, ये विचार लेकर के ही वहां लोग गए। तो जैसे किसानों के कंपाउंड रहते कि नहीं, ये मेरा कंपाउंड, यहां से तेरा खेत चलूगा, यहां से तेरा खेत चलूगा, वैसे उन लोगों ने अपने आभा मंडल बना के रखे हुए हैं, उन्होंने अपने ओरा बना के रखे हुए हैं कि मेरे एरिया में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, माने मेरे एरिया में मेरे इच्छा के बगैर कोई आना ही नहीं चाहिए। कंपाउंड नहीं वहां पे, कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम उनके इच्छा के बगैर उनके क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकते। शिरडी का भी क्षेत्र है ना, बाबा के इच्छा के बगैर शिरडी में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। तुम आया हो तो उनके इच्छा के कारण आया हो, उनके कृपा में आया। तो ऐसे विचार लेके जब सब लोग बैठे हैं तो बेचारी स्त्री वहां कैसे पहुंचेगी? इसके कारण वहां पे कोई भी स्त्री नहीं है। वास्तव में क्या है, एक ध्यान की ऊंचाई है, ध्यान की एक स्थिति है। वो स्थिति तक जब मनुष्य पहुंच जाता है ना, तब स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। तो मेरे गुरुदेव भी जब उस स्थिति में पहुंचे तो उनके अंदर का भी वो भेद समाप्त हो गया, लेकिन भेद तब समाप्त हुआ, वो अपने ओरा के अंदर बंद गए थे। इतना ओरा स्ट्रांग कर लिया था, इतना ओरा मजबूत कर लिया था कि वो उनके क्षेत्र के ऊपर खुद भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा मैं तो ये क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकता, और जो जीवन में मैंने गलती करी है वो गलती तू तेरे जीवन में मत कर। मैंने भेद रखा है स्त्री और पुरुष का, तू भेद मत रखे। इसलिए समर्पण ध्यान संस्कार के पूरे संगठन के अंदर सब जगह स्त्रियों को प्रभुत्व है, स्त्रियों को बराबर का दर्जा है, कोई भी सेंटर बिना स्त्री के नहीं है। और समर्पण संस्कार के प्रचार प्रसार में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। उसकी शुरुआत ही गुरुमा ने की थी, जब से सबसे पहली अनुभूति गुरुमा को कराई, गुरुमा को बोला तेरे को तो अकेले रह के घर संभालने की आदत लग गई है, अगर तू परमिशन देती है तो आज मैं समाज में जाकर के ये अनुभूति सबको बांटना चाहता। तो स्त्रियों का योगदान इस क्षेत्र में खूब बड़ा है, बहुत बड़ा है।
दूसरा, रोज आपको अलग अलग अनुभूति आएंगी, अलग अलग अनुभव आएंगे, अब आपका चित्त अंतर्मुखी रखो, अंदर के अनुभूतियों पे चित्त रखो, अंदर क्या हो रहा है उधर ध्यान दो, क्योंकि मैं तो केवल माध्यम हूं, शिविर के माध्यम से गुरु शक्तियां आपसे जुड़ रही है। आप किसी शादी में जाते हो ना, तो शादी में देखते हो 25 व्यंजन एक मीटर परोसते रहते हैं, लेकिन वो व्यंजन उस वेटर ने बनाए हैं क्या? नहीं बनाए, बनाने वाले रसोई है, अंदर बैठे हैं रसोई घर में, और वो बना बना के व्यंजन दे रहे हैं, ये वेटर केवल परोस रहा है, तो हमको केवल वेटर दिख रहा है, रसोई नहीं दिख रहे। ठीक उसी प्रकार से हिमालय के गुरु रसोई हैं, वो वहां बैठे बैठे सब सप्लाई कर रहे हैं, मैं तो वेटर हूं, परोस रहा हूं, रोज कुछ ना कुछ आपके सामने परोसूंगा। तो वेटर को धन्यवाद मत दो, उस रसोइयों को धन्यवाद दो जिन्होंने इतना अच्छा खाना आपके लिए बनाया। रोज नए नए व्यंजन, रोज नई नई अनुभूतियां, रोज नए नए अनुभव आपको होते जाएंगे। दूसरा, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संत शिविर का आयोजन दांडी आश्रम में किया था, सब विश्व के अलग अलग देश से, कुछ यूरोप से आए थे, कुछ अरब कंट्रीज से आए थे, कुछ नेपाल से आए थे, कुछ लंका से आए थे, सब अलग अलग धर्म के, बुद्ध क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम सब आए थे। उन सभी संतों को एक बात बड़ी आश्चर्यकारक लगी उस आश्रम में, बोले स्वामी जी हमारे सब आश्रमों में सब जगह बूढ़े बूढ़े रहते हैं, आपके आश्रमों में सब जगह जवान ही जवान है, ऐसा क्यों? सब यंग लड़के सब संभाल रहे हैं, मैनेजर यंग, चपरासी से यंग, ड्राइवर यंग, सब यंग। उनको खूब आश्चर्य हुआ, या ऐसा कैसा हुआ? मैंने उनको कहा मैं अनपढ़ हूं ना इसलिए। बोले मतलब? मैंने कहा मैंने कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी नहीं, मैंने धार्मिक पुस्तकों की बातें नहीं करता, मैं तो आज की रोजमर्रा की बातें करता हूं, आज की कल की बात करता हूं, मैं मेरे अनुभव बताता हूं, मैं मेरी अनुभूतियां बताता हूं, और अनुभूतियों के प्रैक्टिकल इन जवान लड़कों को अच्छे लगते हैं। आज की युवा पीढ़ी को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कराने वाले चाहिए, जो प्रैक्टिकल करेगा उस पर उसका विश्वास ज्यादा रहता है, वो अपने अनुभूति पर विश्वास करते हैं, अपने अनुभव पर विश्वास करते हैं। यही कारण है समर्पण ध्यान संस्कार में लाखों युवा लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि रोज की अनुभूतियां हैं, रोज के अनुभव हैं। मूलाधार चक्र का संबंध चित्त के साथ है। आप चित्त को कितना स्ट्रांग करते हो, कितना मजबूत करते हो, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। दूसरा, ये जो हम पुस्तकों में पढ़ते कि नहीं, त्रिकाल ज्ञानी सिद्धि, वो सिद्ध योगी थे, त्रिकाल ज्ञानी थे, हम सोचते थे कोई सिद्धि है, लेकिन मेरे को अनुभव कुछ अलग ही है। त्रिकाल ज्ञानी सिद्धि नहीं है, चित्त की एक दशा है, ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते चित्त के उस दिशा में आप पहुंच जाओगे
कि आपका चित्त भूत काल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में जा। नमस्कार।